नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बिना हम कोई भी लिक्विड नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा, जानकारी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे SLES लिक्विड के बारे में। यह SLES लिक्विड है, बिना इसके हम लिक्विड नहीं बना सकते, समझ में आ गया। पहला काम, यह बहुत ज़्यादा झाग बनाता है। दूसरा इसका काम है कि यह ठीक करता है, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देता है, समझ में आ गया। तो यह कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यह देखिए, यह है SLES लिक्विड। हम इसे एक बाउल में ले लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। इस सब के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन चैनल पर अब बहुत ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं, मेरे पास कमेंट आ रहा है नए लोगों का, तो मैंने सोचा कि भाई उन लोगों को इसका जानकारी दिया जाए, समझ में आ गया। जो पहले हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अब जो लोग नए लोग आए हैं उनको भी देखना है कि नहीं देखना है। चैनल पर हमेशा नए लोग आते रहते हैं। तो यह काम कैसे करता है हम इसी के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे वाटर, और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए, एकदम यह पानी की तरह हो गया है, और अब हम इसमें जब साल्ट डालेंगे तो यह ठीक होगा। एकदम पानी की तरह हो गया है ना, यह देखिए। देखिए, एकदम पानी की तरह हो गया है। जब अब हम इसमें साल्ट डालेंगे तब जाकर यह ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, आप लोगों के सामने एकदम लाइव। बस इसमें आपको यही ध्यान देना है कि साल्ट को आपको बहुत आराम से इसमें डालना है, धीरे धीरे करके। अगर एक साथ आपने साल्ट डाल दिया तो यह फट जाएगा, समझ में आ गया। तो आपको साल्ट को धीरे धीरे करके इसमें डालना है। देखिए, अब ठीक होना शुरू हो गया। मैं आपको यह भी इसमें दिखाऊंगा इस वीडियो में कि हम ज्यादा साल्ट डाल देते हैं तो क्या होता है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगा। देखिए, अब यह ठीक हो गया है ना। अब हम इसके बाद फिर साल्ट अगर हम डालेंगे तो यह धीरे धीरे फट जाएगा। अभी आपको वो भी मैं दिखाता हूँ लाइव करके। इसीलिए कहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एकदम जेन्युइन जानकारी, जो एकदम प्रैक्टिकल फार्मूला का जानकारी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आ गया। अपना अनुभव मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए, अब इसमें हल्का सा यह गाढ़ापन इसका ख़त्म हो गया। देखिए, अभी और हम साल्ट डालेंगे तो इसका गाढ़ापन एकदम ख़त्म हो जाएगा। देखिए देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके साल्ट डाल रहा हूँ जिससे आप लोगों को सही से इसका जानकारी मिले। देखिए, अब यह और ज़्यादा इसका गाढ़ापन ख़त्म हो गया, और अब हम इसमें और ज़्यादा साल्ट अगर डाल देंगे तो अब एकदम पानी की तरह हो जाएगा। देखिए, समझ में आ गया। तो SLES लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जिसके बिना हम कोई भी लिक्विड नहीं बना सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं एकदम पानी की तरह हो गया कि नहीं। तो इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बस आपको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, तो आपको समझ में आया, SLES लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा झाग बनाता है, फोम बनाता है, और दूसरा है यह कि बहुत ज़्यादा यह प्रोडक्ट को थिक कर देता है।
बस इसमें आपको साल्ट मिलाना होता है। तो साल्ट तो हम कोई भी लिक्विड बनाएंगे तो उसमें साल्ट मिलाएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं तो उसको उसमें क्या है कि अगर हम साल्ट न मिलाएं तो कपड़ों से झाग जल्दी निकलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा पानी का खर्चा होगा, समझ में आ गया। हैंड वॉश बनाते हैं उसमें भी हम साल्ट मिलाते हैं, अगर साल्ट नहीं मिलाएंगे तो जब हम हाथ को हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश से धोएंगे तो हाथ से जल्दी झाग निकलेगा नहीं। तो इसलिए लिक्विड जिसमें हम मिला रहे हैं उसमें हमें साल्ट मिलाना ही होगा, क्योंकि साल्ट के अलावा बिना भी हम लिक्विड नहीं बनाएंगे, समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी देना था। अब आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो जब मैं बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।